हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। आज की वीडियो में मैं अनबॉक्स और टेस्ट करने वाला हूँ पांडा बॉक्स, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ये एक बहुत ही नई चीज है गाइस मार्केट के अंदर, इसीलिए मैंने इसे खरीदा है। ये भी एक तरह का पिगी बैंक ही होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह का एक पांडा होता है, यहाँ पे हमें कॉइन रखना होता है। तो बॉक्स देख सकते हो इस तरह का बॉक्स है। तो इस पांडा बॉक्स को मैंने खरीदा था अमेजोन से, ये देख सकते हो 27 जनवरी को ही मैंने इसे खरीदा है। तो यहाँ पे इसका प्राइस आप देख सकते हो 966 रुपीस। आप अगर ये पांडा बॉक्स खरीदना चाहते हो तो गाइस इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप इसे खरीद भी सकते हो। तो चलो दोस्तों, बिना वक्त वेस्ट किए फटाफट से इसकी कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। यहाँ से मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और निकाल लेते हैं इसे बाहर। दोस्तों, आपने अभी तक चटपट टॉय टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकॉन भी दबा देना और ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर से ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं वो वीडियो आप सबसे पहले देख सको। तो देख सकते हो इस तरह का बॉक्स मिलता है हमें इसके अंदर, और कुछ है ये भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर कुछ स्टिकर्स मिले हैं हमें इसके ऊपर चिपकाने के लिए, और ये है एक यूजर गाइड। तो इन सारी चीजों को साइड में रख लेते हैं। इस बॉक्स को एक बार अच्छे से देख लेते हैं गाइस, इसके ऊपर क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है एक एप्पल का लोगो, यहाँ पर पांडा का पैर का निशान भी दिया गया है। नीचे की तरफ देख सकते हो यहाँ पे इसका बैटरी सेक्शन, इसके अंदर दो बैटरीज डालनी होती है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बैटरी डाल के रखी हुई है गाइस। यहाँ पर एक चीज दी गई है, देख सकते हो दोस्तों, इसे मैं ओपन करके भी बता देता हूँ ये क्या है। यहाँ पे एक होल दिया गया है, यहाँ पर हमें सारी कॉइन्स डालनी होती है। तो सारी कॉइन्स अगर हमें निकालना है तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम। तो अभी ये किस तरह से काम करता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस जल्दी से। तो देख सकते हो ये रहा हमारा पांडा बॉक्स, यहाँ पर हमें एक कॉइन रखना होता है। दोस्तों, पांडा बॉक्स किस तरह से काम करता है अभी मैं आपको बताता हूँ। देख सकते हो ये ले लिया मैंने एक कॉइन, तो इस कॉइन को हम रखेंगे इस एप्पल के ऊपर, यहाँ पर रख दिया मैंने, और फिर इसे प्रेस करेंगे इस तरह से। अरे भाई साहब, अंदर से एक पांडा निकल रहा है यार। ओ भाई साहब, गजब की चीज है यार, देख सकते हो अंदर से एक पांडा निकल कर यहाँ पर जो हम कॉइन रखते हैं वो उसे सीधा अंदर ले जा रहा है। मैं आपको एक और बार बताता हूँ, यहाँ पे कॉइन रख देते हैं। यार मुझे एकदम बवाल चीज लगी। तो यहाँ पे मेरे पास एक 5 रुपीस का कॉइन है, ये भी रख के देखते हैं ले जाता है कि नहीं अंदर। अरे भाई साहब, एकदम कमाल का पिगी बैंक है यार। तो इसके अंदर हम सिर्फ कॉइन्स ही डाल सकते हैं गाइस, नोट्स वगैरह डालने का कोई चांस नहीं है इसके अंदर। तो यार इस तरह का पिगी बैंक ना मैंने आज तक नहीं देखा है, इतना ज्यादा कमाल का है यार ये। ओ भाई कमाल हो गया यार। तो ये सारे कॉइन्स हम यहाँ से निकाल सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यार इसकी क्वालिटी ना मुझे एकदम गजब की लगी, बहुत ही मस्त प्लास्टिक यूज किया गया है इसे बनाने के लिए। तो ये सारे कॉइन्स निकाल लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से कॉइन्स इस तरह से बाहर आ जाते हैं। तो मुझे तो पांडा बॉक्स बड़ी कमाल की चीज लगी यार, मैंने तो आज तक सच बता रहा हूँ इस तरह की चीज नहीं देखी है गाइस। इसका प्राइस ना मुझे काफी ज्यादा लगा यार, 966 रुपीस इस तरह के पिगी बैंक के लिए काफी ज्यादा है। आप अगर ये पिगी बैंक खरीदना चाहते हो तो बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, आप वहां से जाकर इसे खरीद भी सकते हो। तो चलो अभी हम दे देते हैं शॉर्ट आउट। दोस्तों, मेरी लास्ट वाली जो वीडियो थी मैंने इस मोटर बाइक के ऊपर बनाई थी, काफी ज्यादा मजेदार मोटर बाइक है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो यार जाकर जरूर से देख लेना। ये इसका रिमोट है, काफी जबरदस्त बाइक है गाइस, जाकर वीडियो जरूर से देख लेना। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला नाम आ जाता है यश कोठारी, मंथन चौहान, ओमकार दियो, आकाश आनंद, स्वप्ना बैन, प्रियांक मित्तल, रुमाना सुल्ताना, देवजीत मंडल, अमर सिंह, सोहन लाल, फैक उमर,
नीतू राज ब्रह्मा, वेद प्रकाश, नरेश कुमार, देव चौहान। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शॉर्ट और तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शॉर्ट आउट दे सकूं। तो दोस्तों अभी अभी आप देख सकते हो मैंने इसके ऊपर सारे स्टिकर्स चिपका दिए। अभी हमारा पैंडा बॉक्स किस तरह का नजर आ रहा है, तो यहाँ पे एक स्टिकर होता है, यहाँ पे एक स्टिकर चिपकाया मैंने, यहाँ पर एक स्टिकर चिपकाया है, तो यहाँ पर एक स्टिकर चिपका दिया। ये सारे स्टिकर्स हमें इसके साथ ही मिल जाते हैं बॉक्स के अंदर। तो एक और बार मैं आपको बता दूं पैंडा बॉक्स किस तरह से काम करता है। इसे प्रेस करते हैं, तो दोस्तों इसके ऊपर स्टिकर चिपकाने के बाद ये पैंडा बॉक्स नजर और भी बहुत ही जबरदस्त नजर आ रहा है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों आज 1 बजे तक मैं मेरे गेमिंग चैनल पर भी एपिसोड 2 डालने वाला हूं, तो जाकर वीडियो जरूर से देखना यार, बहुत ही कमाल का वीडियो बनाया मैंने आप लोगों के लिए। मेरे गेमिंग चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप मेरे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे होती है एंड, मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह के कुछ धमाकेदार टॉयज के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।